की जंग आज 11वां दिन। रॉकेट मिसाइल बमों की बौछार, जमीन आसमान समंदर, हर जगह इजराइल का कंट्रोल। इजराइल और हमास की जंग के बीच जिंदगी कितनी सस्ती हो गई है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इजराइल में हमास ने जो क्रूरता की, वो जख्म मिटाए नहीं मिट सकता। इसका ही नतीजा है कि इजराइल हमास का नामो निशान मिटा देना चाहता है। इसी बीच हमास ने दावा किया कि उसने इजराइल में तेल अवीव और यरूशलम पर मिसाइलों की बौछार की है, और ये हमले हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने किए हैं। एक तरफ हमास हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया, इजराइल के सर्विलांस को तबाह करने का दावा किया। इसी बीच हमास आतंकियों की करतूत सामने आई। हमास के कुछ आतंकी घर में दाखिल होते हैं, जिन्हें इजरायली जवान घेर लेते हैं। इसी बीच आतंकी एक घर में बम फेंकता दिखाई देता है। इसी बीच एक और आतंकी दिखता है जो वीडियो बना रहा होता है, लेकिन चंद सेकंड के भीतर इजराइल के सैनिक उसे ढेर कर देते हैं। तो आतंकी के बॉडी कैम में ये सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता है। इसराइल में हालात ऐसे हैं कि कब कहां रॉकेट और मिसाइल आकर गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। तेल अवीव में वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह ने भी ऐसा मंजर देखा, और हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया। एक बार फिर से तेल अवीव में रॉकेट अटैक के सायरन बजे हैं। मान लेट्स टेक शेल्टर, और हम यहां पे शेल्टर लेते हैं ताकि अचानक से पिछले कुछ दिनों से तेल अवीव बहुत ज्यादा निशाने पर रहा है। साफ वजह है कि इसराइल की राजधानी में बहुत सारे मिसाइल दाग के हमास मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए आप, ये आयरन डोम का मिसाइल जाता हुआ रॉकेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए आयरन डोम का मिसाइल जा रहा है, और जो आप तस्वीरों में पाते हैं वो आयरन डोम की मिसाइल होती है, और इसी वजह से तेजी से आयरन डोम की मिसाइल को इंटरसेप्ट करना होता है जब फायर की जाता है। ओके, सायरन ऑफ हो चुके हैं तो अब हम बाहर आ जाते हैं लगभग। ओके, ये आपने धमाके की आवाज़ सुनी, ये पता लगा पाना मुश्किल है कि ये इम्पैक्ट हुआ है, ग्राउंड इम्पैक्ट हुआ है या फिर मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया गया है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से विशेष तौर पर शब्बात के बाद, यानी कि शुक्रवार को, शनिवार को, साथ ही साथ रविवार को भी, और अब एक बार फिर सोमवार को इस तरह से ये अटैक हुआ। तेल अवीव जनरली बहुत ज़्यादा रोज़ के रोज़ नहीं मिसाइल अटैक में होता था, लेकिन आज अब हमें देख रहा है कि 4 दिनों से लगातार तेल अवीव पर भी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, और हमेशा देर शाम को दागे जा रहे हैं। कैमरन मान के साथ मैं आशीष सिंह, तेल अवीव इजराइल से एबीपी न्यूज के लिए। ऐसी तस्वीरें इसराइल के कई इलाकों से सामने आ रही हैं। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, इसराइल के पीएम के तेवर और सख्त होते जा रहे हैं। एक बार फिर नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने का प्रण लिया। גם בדורות שלאחר הקמת מדינת ישראל קמו צוררים חדשים המבקשים לחלותנו. ההבדל הוא שהיום יש לנו מדינה חזקה, צבא חזק, עם חזק ויכולת חזקה להשיב מלחמה שערה
למבקשי נפשנו. כך נעשה גם הפעם. יצאנו למלחמה, ננצח במלחמה, ולא נעצור עד לניצחון. एक तरफ बेंजामिन का हमास को लेकर सख्त रुख तो दूसरी तरफ बाइडेन ने भी जंग के बीच दुनिया को नसीहत दी। We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. इसराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का जंग में साथ मिला, ऐसे में एक बार फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसराइल की कार्रवाई को सही ठहराया। We're providing all the consular support through the Foreign Office that we can, and also providing direct support to the Israelis. And the humanitarian situation is one which, of course, we're concerned about. इसी बीच हमास ने दावा किया कि उसने 22 बंधकों को मार दिया, 250 के करीब लोगों को अभी भी बंधक बना रखा है, जिसका उसने एक प्रोपेगेंडा वाला वीडियो भी वायरल किया। इसके साथ ही इजरायली जेलों में 6,000 हमास कैदी होने का दावा किया गया, जिन्हें छोड़ने के बाद वो बंधकों को छोड़ेगा। بأن العدوان الصهيوني الغاشم على المباني والبيوت وقصف البنايات دون سابق إنذار أدى إلى فقدان 22 أسيرا منهم لحياتهم حتى الآن.